हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। सबसे बड़ा जो डाउट बच्चे इस समय आ रहा है, जो बहुत सारे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो कि अलग अलग हिस्सों में, मैं कहूंगा जैसे मुंबई में, धारावी में, ठीक है, नागपुर में, अलग अलग जगह पे पता नहीं कैसे अजीबोगरीब हलचल हो रही है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के द्वारा, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक स्टूडेंट है बच्चे, स्टूडेंट का ये फर्ज बनता ही नहीं है कि वो रोड पर आए पढ़ाई छोड़कर और जो है कि दंगे फसाद में शामिल हो जाए। तो सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी से मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई आप पहले अपने घरों में जाइए और अच्छे से बैठ के अपने आप से पूछिए कि क्या उस भीड़ में शामिल होना सही है। कुछ चीजें हैं जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक चीज हो सकती है कि आपका बहुत अच्छा पढ़ के नहीं हुआ है, सीरियसली आपका बहुत अच्छा पढ़ के नहीं हुआ, आपने पूरे साल भर बुक नहीं उठाई है, आपका बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, कॉलेज में लेक्चर नहीं हुए, ठीक है, ऑनलाइन आपका बहुत अच्छे नहीं हुआ रहेगा, ऑफलाइन में आपको नहीं बुलाया गया कभी, तो आपका एक्चुअल में पढ़ के नहीं हुआ है, ये सच्चाई है। लेकिन सिर्फ एग्जाम के डर से आप जो है कि गलत रास्ते पे चले जाएंगे, ये भी तो सच नहीं है ना, ये भी तो सही नहीं है। इसीलिए अगर आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आज से शुरू करते हैं, आप अभी से शुरू करते हैं, हर एक चीज अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग चैनल पे आपको सब कुछ दिया गया है, आप वहीं से शुरू करो। अगर कोई सब्जेक्ट है और उसके 16 चैप्टर है तो 16 चैप्टर मत करो, कम से कम 6-7 चैप्टर ही करो, अच्छे से करो भाई। कोरोना पीरियड है तो पेपर भी इजी होगा, चेकिंग भी लिनियंट ही होने वाली है। आपका टारगेट बस रखो कि मुझे 55% 60% तक मिल जाए 12th में, बस इतना ही क्राइटेरिया आप रखो। जिन बच्चों का बहुत अच्छा पढ़ के हो गया उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका पढ़ के नहीं हुआ है, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो आप? इन सब चक्करों में मत पड़ो यार। कहीं अगर इंडिविजुअल किसी बच्चे को, मान के चलो किसी बच्चे को अगर कोई पुलिस के कर्मचारी पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर FIR कुछ ऐसे केसेस लगा देते हैं, तो उसका कैरियर का क्या होगा, कौन सी कंपनी से जॉब देगी? और इन सब चक्करों में पिसेगा कौन? उस लड़के के घर वाले, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आने वाला बचाने के लिए। इसीलिए सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि इन सब चीजों में मत पढ़ो। हाँ, एग्जाम ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, पोस्टपोन होगी, ये एक मुद्दा जरूर है, लेकिन इसे आपको वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने क्लियर कट बोला था कि हम 15 फरवरी तक हम जो है कि आपको क्लियर बता देंगे जायजा लेने के बाद कि हमारा जो अगला स्टेप्स होगा वो क्या होने वाला है। तो आप भी 15 फरवरी तक का वेट कर लीजिए। और रही बात प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम का थियरी पेपर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम की जो खुशखबरी है, जो अच्छी चीजें हैं, वो उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि कोई एक्सटर्नल नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी लिमिटेड आने वाले हैं, तो सारी चीजें एकदम क्लियर है। तो प्रैक्टिकल में तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं आपके, तो वहां पे तो कुछ डर का माहौल नहीं होना चाहिए, उसको तो आप फेस कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉलेज के ही टीचर रहेंगे और कॉलेज के टीचर भी नहीं चाहेंगे कि आपका पेपर खराब हो। तो प्रैक्टिकल्स को लेकर जो कंफ्यूजन हो तो पहले दूर हो गया है, बच्चे थ्योरी पेपर की बात है तो उसको समय दो, आप अपना काम करते रहो, वो अपना काम करते रहेंगे। पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी में 85% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका भविष्य जो है ना बच्चे, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि एजुकेशन अगर अच्छा किए रहेंगे, एजुकेशन अच्छा रहेगा उनका, तब जाके वो अपने घर वालों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं अपने एजुकेशन के दम पे। अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पोस्ट मिलेंगे, अच्छी इनकम मिलेगी, तब जाके वो कि अपने जो घर में, जो कई 20-25 साल से, मान के चलो कि मम्मी डैडी एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, कहीं छोटे से घर में रह रहे हैं, वो ख्वाहिश है कि बेटा पढ़ के अच्छे पोस्ट पे पहुंचेगा तब हम एक नए घर में शिफ्ट होंगे, ऐसी ख्वाहिशें होती है हर एक माँ बाप की। पर आप क्या कर रहे हो, आप सोच लो क्या कर रहे हो। इसीलिए आप 12th के सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया पे ध्यान दो कि ठीक है मेरा 50%, 60%, 70-75 तक आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन 60% तक मिनिमम मैं ट्राई करूँ, मिल जाए मुझे। जो बच्चे डर रहे सर मुझे इतना भी नहीं मिलेगा, मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, भाई अब से शुरुआत करो ना आप, मिल जाएगा। पेपर बहुत ही लीनियंट चेकिंग होने वाली है, ठीक है, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा? ऑप्शन इतने सारे हैं कि अगर आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर भी अच्छे से कर गया हो तो उसमें से आपको कम से कम 8-10 मार्क का मिल जाएगा। इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको वैरायटी मिली हुई है, क्या तकलीफ है? और मैं समझ सकता हूँ कि आपने अपने टीचर से नहीं पढ़ा होगा, आपको वो ऑफलाइन की फीलिंग नहीं आई होगी, इसलिए आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ रहेगा। लेकिन हम यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं टीचर, हमसे भी पढ़ के आप देखिए,
बुरा नहीं पढ़ा रहे बच्चे, हमसे जितने भी बच्चे जुड़े हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे दिनेश सर हैं, मुकेश सर हैं, जितने भी टीचर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अलग अलग चैनल की भी मैं बात कर रहा हूँ, सब के सब इसी कोशिश में लगे कि जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसका भला हो जाए, उसका फायदा हो जाए। फ्री में घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग अगर आपको मिल रही है बिना किसी हेडेक के, तो उसको लेने में क्या गरज है, मतलब क्या दिक्कत क्या है आपको? आप इन सब चीजों से दूर रहिए। एग्जाम ऑनलाइन होना बहुत मुश्किल है। अभी अभी इंटरव्यू में आपने देखा होगा वर्षा गायकवाड़ मैडम का एक इंटरव्यू में आया कि 30 लाख बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन एग्जाम लेना ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा तो ऑनलाइन, फिर हमको एग्जाम ऑफलाइन क्यों? बच्चे ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो मुद्दा है ना, ये आप ऑफलाइन फेस नहीं करना चाहते हो, आप जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। लेकिन हम बोल रहे हैं ना आपको कि आप फेल नहीं होंगे यार, आप कुछ चैप्टर पढ़ के जाइए, आप फेल नहीं होंगे। फेल पास का जो क्राइटेरिया है ना, वो ट्वेल्थ से डिसाइड होने वाला भी नहीं है। आप ट्वेल्थ में फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी जिंदगी में फेल हो रहे हो, और फेल नहीं होंगे ये तो हम बोल रहे हैं ना आपको, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ पे रखने वाले हैं इस बार। जो एक्चुअल आपकी लाइफ होगी ना, वो इंजीनियरिंग में होती है, मेडिकल में होती है, वहां उसमें सिलेक्शन पाना वो आपके लिए एक बोलते ना जीत होनी चाहिए आपकी। ट्वेल्थ का एग्जाम कैंसिल करवाना ये जीत नहीं होनी चाहिए आपकी कि एग्जाम कैंसिल करवा दो। हाँ, पोस्टपोन के लिए हम भी ट्राई करेंगे, हम भी आपके सपोर्ट में है कि पोस्टपोन जरूर कम से कम 15 से 20 दिन का अगर मोहलत और मिल जाती है तो शायद आप जो है कि इस सिचुएशन से निकल कर और अच्छा करेंगे, और सिर्फ बोर्ड में नहीं बल्कि एंट्रेंस में भी अच्छा कर लेंगे। तो जरूर ये कोशिश रहेगी हमारी, बट मैं सारे स्टूडेंट कम्युनिटी से ये अपील कर रहा हूँ, एग्जाम को ऑफलाइन ही होने दें, ऑनलाइन का तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑनलाइन का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बचा सिर्फ कैंसिल और ऑफलाइन। अब कैंसिल हो नहीं सकती तो बचा सिर्फ ऑफलाइन। हाँ, पोस्टपोन का एक ऑप्शन हमने रखा हुआ है, लेकिन वो 15 फरवरी तक का वेट कीजिए पहले, उसके बाद जो है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे कॉन्टेंट में जितने भी लोग हैं, हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या हो सकते हैं, क्या रास्ता निकल सकता है, वो सब डिस्कशन होगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन तब तक ऐसा ना हो कि आप 15 दिन और बेकार कर दिए कि नहीं मैं तो अभी वर्षा मैडम के बयान का इंतजार कर रहा हूँ, वैसा मत कीजिए। आप 15 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर एक सब्जेक्ट के आप 2-2, 3-3 चैप्टर उठाएंगे तो आपके कम से कम 15 दिन में आराम से जो है कि हर सब्जेक्ट के 2-2-3 चैप्टर आप खत्म कर देंगे, और हर एक जगह पे आपको कंटेंट मिला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस स्टार्ट करो, जिनका प्रैक्टिस करके हो गया रिविजन स्टार्ट करो, जिनका रिविजन करके हो गया लोग डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम रिविजन स्टार्ट करो। आप बाकी क्राउड को मत देखो बच्चे, अपने घर की स्थिति को देखो, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। मिलते हैं ऐसे एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।